हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी बाइक में टेल टीडी इंस्टॉल करने वाला हूँ स्प्लेंडर प्लस में। तो ये मैंने टेल टीडी बैंगवुड से ऑर्डर की थी, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ये आई है। तो एक्चुअली आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से टेल टीडी थोड़ी डिफरेंट होगी बाकी वीडियो से। तो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। गाइस मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो टेल टीडी है ये स्पेशली जो स्प्लेंडर प्लस के लिए नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें जो है करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं खोलने का इसको स्प्लेंडर प्लस को। तो सबसे पहले इसकी सीट को उठा लेते हैं, 10 नंबर के जहाँ पर नट लगे रहते हैं दोनों साइड। जैसे जब आप साइड पैनल खोलोगे तो 10 नंबर के 2 नट लगे रहते हैं, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। तो इसको जल्दी से खोल लेता हूँ, सीट को उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सीट उठाने के बाद आपको यहाँ पर जो 12 नंबर के 4 बोल्ट हैं इनको खोलना होगा, और साथ में जो पीछे 10 नंबर के हैं उनको भी मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। तो इन 6 बोल्ट्स को मैं जल्दी से अभी खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर जैसा कि मैंने सभी बोल्ट्स को खोल लिया है, अब मैं पत्ती और इस टेल वगैरह को सबको उखाड़ लेता हूँ, और उसके बाद मुझे इसका मुडगार्ड भी खोलना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको खोलना है। तो दोस्तों मुडगार्ड को खोलने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों साइड एक जो 10 नंबर के जो दोनों जो है यहाँ पर बोल्ट रहते हैं, तो इनको हमको निकालना होता है। तो एक्चुअली ये पूरा काम जो आप 10 और 12 नंबर की अगर आपके पास स्पैनर है तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड पर 10 नंबर का ये नट लगा हुआ है, तो इसको मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मुडगार्ड को कैसे निकालेंगे हम। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर जो है 8 नंबर के 4 बोल्ट आपको लगे दिखाई देंगे, या मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 यहाँ पर है बोल्ट और 2 दूसरी साइड होंगे। तो गाइस इनको आपको खोलना है एक टी कोटी की मदद से, जो कि 8 नंबर की होनी चाहिए, तो उसकी मदद से ही ये खोलेंगे। और गाइस मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि यार कि मैं अभी अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, तो लाइटिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी बारिश की वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइस चलिए जल्दी से मैं इनको अभी खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके बाद आपका जो है मुडगार्ड सीधा निकल जाएगा, उससे पहले आपको जो है इंडिकेटर्स की वायर को हटा लेना है, और उसके बाद आपको सीधा मुडगार्ड को खींच लेना है। तो क्या जहाँ पर शोकर्स के साथ जो है मुडगार्ड थोड़ा सा अटकता है, तो उसको आपको टेढ़ा करके निकालना पड़ता है, लेकिन ये आसानी से ये निकल जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी मुडगार्ड को निकाल दिया, अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी हम अपनी टेल टीडी इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो है हमें लाइट भी खोलनी पड़ेगी, यहाँ पर 10 नंबर के दोनों साइड नट लगे रहते हैं, तो जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। लाइट का जो कनेक्शन वगैरह आपको हटा लेना है पहले, और उसके बाद इसको आपको निकाल लेना है। तो गाइस यहाँ पर हमें इसमें छेद करना है, तो इसके लिए आप ड्रिल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ आप एक रोड को गर्म कर लीजिए छोटी सी, और जहाँ फिर आप जो है मेरी तरह से सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर छेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधी टेल टाइडी देख लेनी है, जहाँ आप ऐसा कीजिए कि एक आपको ड्रिल कर लीजिए ऐसे, और दूसरा जो है वो सीधी करके लगाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे कर देते हैं
फिर बाद में पता चलता है कि टेल टेडी जो है टेढ़ी लग गई है। तो ये चलिए जल्दी से मैं इसमें होल कर लेता हूँ दो। तो मेरे को अब ये दो ठीक लग रहे हैं क्योंकि ये इतनी भारी नहीं है ये टेल टेडी। अगर भारी होती तो मेरे ख्याल से तीन लगाने पड़ते या चार लगाने पड़ते, लेकिन ये हल्की है, प्लास्टिक का मटेरियल है, तो इसलिए मैं इसमें जो है दो ही करूँगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ छेद, उसके बाद यहाँ पर मैं 10 नंबर के जो दो बोल्ट लूँगा और इसको जो है अच्छे से टाइट करूँगा। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने टेल टेडी को अच्छे से बिठा दिया है, दो नट लगाए हैं मैंने 10 नंबर के और अच्छे से उनको टाइट कर दिया है ताकि ये हिल ना पाए बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से ये टेल टेडी लग जाएगी और यहाँ पर इसकी वायरिंग वगैरह को मैं अभी ऐसे ऊपर कर देता हूँ। और साथ में इस अभी प्रॉब्लम आती है नंबर प्लेट की, तो नंबर प्लेट आपको जो है छोटी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आपको जो होल दिए गए हैं इस पर आप इंडिकेटर्स वगैरह भी आप अपने जो है लगा सकते हैं। हो सकता है आपको होल जो है थोड़ा बड़ा करना पड़े, लेकिन आपको जो है यहाँ पर इंडिकेटर लग जाएंगे और जो नंबर प्लेट है वो इस प्रकार से लग जाएगी। मैं इसको लगाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको जो है टेम्प्रेरी इंस्टॉल करने वाला हूँ, परमानेंट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो कीचड़ वगैरह की प्रॉब्लम इससे होगी होगी। तो मैं स्टॉक वाली टेल टेडी रहने दूंगा बाद में, अभी मैं आपको दिखाने के लिए इसको इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। तो चलिए अभी वापस से लगाते हैं, जैसे इसको खोला था वैसे इसको अभी फिटिंग करते हैं अभी इसकी। तो वैसे वायरिंग की बात कर लेते हैं, इसमें भी तीन तारें हैं, उसमें भी तीन तारें हैं। तो तीन जो तारों का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, जो ब्लैक वाली है वो ग्राउंड है और दूसरी है दोनों, एक जो पार्किंग लाइट की है और दूसरी जो है आपकी जो ब्रेक पे लाइट चलती है उसकी है। तो सिंपल सा कनेक्शन आपको ऐसे कर लेना है, जो ग्रीन वाली वायर है आपकी बाइक की उसके साथ आपको ब्लैक लगाना है, और दूसरी वाली दो है जो वो कहीं पर भी आप लगा सकते हैं दोनों में से। तो चलिए अभी जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो क्या इसकी रेड जो है मैं वो लगा रहा हूँ जो ब्रेक लाइट पे जैसे चलती है लाइट उसमें लगा रहा हूँ, जो कि जिसका कलर ग्रीन और बीच में येलो की पट्टी है, और दूसरी जो ग्रीन है अपनी जो टेल टेडी की वो आपको लगानी है बीच में, जो कि आपकी जो पार्किंग लाइट चलती है उसकी, और जो इसकी ब्लैक है वो लगानी है आपको ग्रीन में, बाइक की ग्रीन में, क्योंकि ग्रीन वाली जो है अर्थ होती है। तो इस प्रकार से आपको लगा देना है, उसके बाद आपको जस्ट ये स्विच को बंद कर देना है। तो इस प्रकार से आपको लगा के सॉकेट को जो है आराम से ये बंद हो जाएगी। तो चलिए गए इसकी टेल वगैरह को मैं अभी वापस से लगाता हूँ जैसे इसको खोला था, उसके बाद सीट वगैरह ऐसे लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज आपको ये कैसी लग रही है टेल टेडी। तो यहाँ पर मैं आपको सभी शॉट्स दिखाता हूँ, सभी साइड से कैसी लग रही है, और साथ में जो लाइट वगैरह का भी मैं इसको ऑन करके बताता हूँ आपको कि इसकी लुक जो है लाइट में कैसी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट में इसमें जो है एलईडी लगे हुए हैं। तो एलईडी में दो कनेक्शन होते हैं, एक पार्किंग लाइट का और एक जो आपकी जो ब्रेक पे लाइट चलती है उसका होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस टेल टेडी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बाइक में। तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि ये टेल टेडी आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।